संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता। नींद आने पर या ज्यादा थक जाने पर उबासी आना आम बात है, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा उबासी आने लगती है। ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। जिन्हें हम आम बात समझते हैं या फिर ऐसा मानते हैं कि अधिक थकान या नींद पूरी ना होने या किसी काम में इंटरेस्ट ना होने के कारण उबासी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उबासी यानी जमाई का कनेक्शन सीधा हमारी हेल्थ से है। संजीवनी के आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि क्यों आती है उबासी, कब बन जाती है खतरनाक और किस तरह की बीमारियों का संकेत देती है ये उबासी। ये सारी बातें जानेंगे हम, तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज की संजीवनी। ये सभी बातें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ज्यादा आए जमाई तो हो जाए सावधान, वरना ज्यादा जमाई कर देगी दिल, दिमाग और किडनी को बीमार। जानिए कैसे रोके जमाई का बार बार आना। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। देखा जाए तो अमूमन हर किसी को बासी आती है, जिस पर हम में से किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन किसी किसी को तो जरूरत से ज्यादा उबासी आती है। आखिर इसके पीछे कारण कौन से होते हैं, डॉक्टर साहब जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसे तो उबासी आना यानी कि योनिंग जिसको कहते हैं, वो एक बॉडी का एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। और नॉर्मली आपने मुंह खोला, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग किया या और लंग्स में ऑक्सीजन गई, तो कभी कभार बॉडी का एक ये अपने आप में ऑटोमेटिक, किसको हम सिस्टम कह सकते हैं, कि कभी कभी जब ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस होती है, ख़ासतौर से जब थोड़ा थकान महसूस होती है, ब्रेन थोड़ा थक गया है, टायर्डनेस है, उस टाइम देखा होगा अपने उबासियाँ आती हैं जब नींद आ रही होती है आपको, तो उसको बीमारी नहीं कहते हैं। दैट इज़ नॉट ए डिजीज, दैट इज़ नॉर्मल। कई बार बहुत थके होते हैं, आपको नींद आ रही है, आप बैठे टीवी देख रहे हैं, उबासियाँ आ रही हैं, तो इंडिकेशन है कि भाई थकान ज़्यादा हो गई, जाके आप सो जाइए थोड़ा सा। लेकिन अगर ये उबासियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, तो फिर उसको हम थोड़ा सा एक विकृति का रूप लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो ये नॉर्मल उबासी जो होती है, इसको लिखा गया है कि इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी हमारी बॉडी कोई संकेत कर रही है, किसी चीज़ के लिए आपको वो एक बता रही है, या कभी ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत पड़ती है, तो एक नॉर्मल उबासी आती है। हमारे यहाँ 13 प्रकार के आधारणीय वेग लिखे हैं, नॉन सप्रेसिबल अर्जिस, जिसमें एक ये उबासी योनिंग भी लिखा है कि इसको भी जो है फोर्सफुली नहीं रोकना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब नॉर्मली आपकी बॉडी उबासी ले रही है, तो उसको रोके मत, क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं कोई डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की कमी है, उसके लिए कर रही है। हाँ, अगर ज़्यादा होती है, बार बार होती है, दिन भर आपको ये प्रॉब्लम चल रही होती है, तो देन क्या करना है, फिर हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि क्या कारण है, क्योंकि अब ये विकृति का रूप है, कि रोग का रूप कह सकते हैं इसको, तो उसका कारण क्या है और क्यों जो है उबासियाँ आपको ज़्यादा आ रही हैं। कारण मालूम चलेगा तो फिर उसका निवारण भी हम बताएंगे। तो तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे, कॉज क्या होते हैं, उसके क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए, इसी एपिसोड में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो बिल्कुल इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर साहब रोशनी। रोशनी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द रहता है। इतनी पैरों में मतलब पूरी टांग में दर्द होता है, घुटनों के नीचे होता है या नीचे पैरों में होता है? मैं और घुटनों से ऊपर। घुटनों में और घुटनों से ऊपर? हाँ जी। थाइज में? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो दर्द क्या हमेशा बना रहता है? जब सो के उठती हूँ या फिर बैठ के, तब कुछ ज्यादा होता है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा रहता है। अच्छा, कमर में भी दर्द होता है कि लोअर बैक में? कमर में भी हाँ थोड़ा होता है, पर लेकिन पैरों में बहुत ज्यादा होता है, बर्दाश्त अच्छा। नहीं होता इतना होता डॉक्टर साहब। चलो कोई नहीं, पहली बात तो जो पैर और थाई में थोड़ा फर्क समझना चाहिए, क्योंकि हमने प्रश्न आपसे इसलिए किया था कि कई बार लोग पैर का मतलब समझते हैं पूरी टांग। तो पैर तो फीट होते हैं हमारे, फिर ये पिंडलियाँ होती हैं, फिर घुटने होते हैं, फिर उसके बाद थाइज होती हैं, फिर हिप्स होते हैं, फिर लोअर बैक होती है। तो हमेशा आपको हम कई बार ही समझाते हैं कि कभी आप अगर गलत शब्द बोल के डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देंगे तो डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा। हालांकि जीवा में हम इस तरह की ट्रेनिंग डॉक्टर्स को देते हैं कि क्योंकि आम आदमी जो है कई बार उसको टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम इसलिए पूछते हैं, दोबारा आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं जैसे हमने पूछा। तो थाइज में दर्द होने का जो मेन कारण होता है, और ख़ासतौर से महिलाओं में,
लोअर बैक से डेफिनेटली इसका एक लिंक होता है, लेकिन कभी कभार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई इरेगुलरिटी हो और ख़ास तौर से अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, जो सफ़ेद पानी की समस्या जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण मैंने देखा है बहुत ज़्यादा दर्द जो है आपके थाइज़ में होता है। तो ये एक तो थोड़ा देखना पड़ेगा, इसका रूट कॉज तो कमजोरी हो जाता है एक तरह से, जब लिकोरिया होता है तो वीकनेस बहुत आती है, और क्योंकि उसी एरिया में एक इन्फेक्शन बॉडी में है तो वहाँ दर्द होना, हल्का सा फीवरिश होना, ये भी जो है बहुत एक स्वाभाविक सा एक लक्षण होता है। तो पहली बात तो यही कि अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उससे मैं बिल्कुल सटीक तो नहीं कह सकता कि आपका कारण क्या होगा, तो निवेदन करूँगा कि हमारे डॉक्टर्स से एक बार डिटेल में बातचीत करें, समझाएं उनको पूरा अच्छी तरह से कि थाइज़ में दर्द होता है, पैरों में मत कहिए, पैर नीचे होते हैं हमारे। और उसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स आपसे प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा डायग्नोसिस का एक प्रोटोकॉल हमने बनाया कि किस प्रकार से जो है पेशेंट से क्या क्वेश्चन पूछना है, उसके आधार पर ही फिर हम आगे आपको समझाते हैं, उसके आधार पर ही आपको चिकित्सा हम करेंगे। तो ये आप जरूर करिए। इन द मीन टाइम एक छोटा सा काम आपको करना है, तिल का तेल लेकर के थोड़ा कमर में और पूरी टांगों में उसकी मालिश करिए रोज एवरी डे, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क आपको पड़ना भी शुरू होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब रूट कॉज हमें मालूम चलेगा तभी उसका उपचार हम कर पाएंगे ठीक से। बिल्कुल, और हम लोग बात कर रहे थे उबासी की। उबासी या जमाई का सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ से होता है। कई बार सीरियस हेल्थ इश्यूज के चलते उबासी ज्यादा आने लगती है, तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो कौन से सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं जिनके कारण ज्यादा उबासी आती है। देखिए, सीरियस जो हेल्थ इश्यूज हैं उसमें आमतौर पर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी जब किसी को होती है, उसमें कई बार देखा होगा जब बहुत ज्यादा घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, तो आपको उबासी आती है। इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर हो, आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो, थकान ज़्यादा रहती है, ब्रेन में थकान हो, या फिर जो है नींद अगर प्रॉपर नहीं है, कोई भी स्लीपिंग डिसऑर्डर अगर आपको हो तो उसके कारण भी जो है आपको उबासियाँ ज़्यादा आती हैं। एक और इसमें बताया जाता है कि हमारी वेगस नर्व जो होती है, तो वेगस नर्व जब ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो उसके कारण भी जो है हमारा ये उबासी का प्रोग्राम शुरू होता है। एंड अल्टीमेटली दैट विल इंडिकेट कि कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि वो वेगस नर्व से हमारा जो है हार्ट का जो हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर, कई चीज़ें उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है, या वो भी एक संकेत मिल सकता है कि कहीं ना कहीं कोई हार्ट का रिदम में प्रॉब्लम हो, हार्ट बीट की कोई प्रॉब्लम हो। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर होना, शुगर लेवल जब लो चला जाता है उसके कारण भी होता है। और कभी कभार जो है कोई आप अगर ऐसी मेडिसन्स ले रहे हैं, सेडेटिव मेडिसन्स कुछ ले रहे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर दर्द के लिए ले रहे हैं या नींद के लिए ले रहे हैं, तो जब उससे सुस्ती जो रहती है आम तौर पर, क्योंकि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, और ब्रेन की, क्योंकि सेडेटिव्स जो है ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी करते हैं इसलिए हमें नींद आती है, तो ब्रेन में जब ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तो भी जो है एक जमाई या आपका ये उबासी आएगी, ताकि ऑक्सीजन की थोड़ी क्वांटिटी अंदर ज़्यादा चली जाए। तो ये बीमारियाँ हैं जिनको के इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। तो कहने को सिर्फ उबासी है, जमाई है, जिन पर हम लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप गंभीरता से इनके बारे में सोचेंगे तो क्या से क्या कुछ निकल सकता है और कितनी सीरियस प्रॉब्लम्स का इंडिकेशंस ये उबासी और जमाइयां दे रही होती हैं। खैर, कई बार सीरियस हेल्थ इश्यूज के कारण भी ज्यादा उबासियां आने लगती हैं, पर हम इसे मामूली समझकर छोड़ देते हैं, और यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब, उबासी कब खतरनाक हो जाती है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब आपको ज़्यादा उबासियाँ आती हैं तो नर्वस सिस्टम का संकेत इसमें डेफिनेटली मिलता है हमें कि नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो उसके बाद आपको दिखेगा कहीं कोई लिवर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो कि हमने थकान कमजोरी से जोड़ा, तो हमारे शरीर में जो 7 धातु हैं, तो धातु क्षय होने के कारण भी उबासी आपको आएगी, वीकनेस रहेगी, या फिर जो है जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ऑक्सीजन की कमी जब हमारे ब्रेन में हो जाए या हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो तो उसके कारण भी उबासी आएगी। प्लस ओजस हमारे बॉडी के अंदर जो होता है, जिसको कि हम एक इम्यूनिटी पावर अपनी बोलते हैं, या हमारे जितने भी धातु हैं उनका एक सार जो एसेंस है, ओजस यदि कमज़ोर होता है तो उसके कारण भी उबासी आपको आएगी। लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या किसी प्रकार का भी वो नशा करते हैं, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जिनको रहती है, घबराहट रहती है, एंग्जाइटी रहती है, इंसोम्निया का रोग जो होता है जिससे नींद रात को प्रॉपर नहीं आती है, तो ये भी जो है उबासी का एक विशेष जो एक कारण होते हैं, इनके कारण भी हमें उबासी ज़्यादा आती है।
तो ये सारी चीज़ें थोड़ी समझनी चाहिए, और जब हमें समझ आ जाता है और हमें थोड़ा सा इसके बारे में जो है थोड़ा ज्ञान होता है, तो कम से कम आप उसको लाइटली नहीं लेंगे। यही हमारा पर्पज़ है, ये जो शो हम बनाते हैं इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम आपको थोड़ा शिक्षित करें, एजुकेट करें हेल्थ के बारे में। और यही कारण है कि बड़े छोटे छोटे से हम विषय लेकर के आते हैं। अब उबासी के ऊपर पूरा एपिसोड हमने बना दिया, बताइए, देखिए, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। लेकिन क्योंकि ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसको कई बार लोग निगलेक्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो कहीं भयंकर बीमारी से अगर जुड़े जा करके तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे छोटे छोटे लक्षणों को भी ध्यान से समझें, और कहीं पर भी हमें लगे कि कुछ विकृति है, एबनॉर्मलिटी है, तो क्या करना है आपको, तुरंत जो है सेहत का नंबर डायल करना है और जीवा के डॉक्टर से बातचीत करनी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अमूमन देखा जाता है कि अगर कोई उबासी ले रहा है और उसको हम देख लें तो हमें भी उबासी आनी शुरू हो जाती है। जी जी जी। तो क्या ये नॉर्मल है या फिर ये कोई संक्रामक बीमारी है? नहीं, बीमारी ऐसी संक्रामक तो नहीं है, पर कहते हैं योनिंग इज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति कोई उबासी ले रहा है तो उसको देख करके दूसरे को भी सुस्ती चढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा उसके। और आपने देखा होगा आमतौर पर जो बसेज होती हैं तो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर लिखा होता है कि इस सीट पर सोना मना है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति सो जाता है तो उसको देख करके ड्राइवर को भी जो है सुस्ती आती है, नींद आती है। कई बार वहाँ उबासी ले रहा है कोई व्यक्ति अगर, और इसी प्रकार से नॉट इवन बस में, अगर कार में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और ड्राइवर के साथ वाली सीट पर अगर आप बैठे हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर इस व्यक्ति को जो बैठा हुआ है उसको सुस्ती आएगी, उबासी आएगी, नींद आएगी, तो वो कॉन्टेजियस है, वो दूसरे ड्राइवर जो आप जो ड्राइव कर रहा है उस तक भी पहुंच करके उसको भी थोड़ी सुस्ती और नींद आएगी, और ड्राइवर सीट पर बैठ के अगर कोई सो जाए तो फिर आपको मालूम है उसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर जो है परिणाम उसका होता है। तो इसलिए इसको डेफिनेटली कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है किसी व्यक्ति को हम देखें जो सुस्ती में है, उबासियाँ मार रहा है, तो हमें भी थोड़ा सुस्ती आ जाती है। बिल्कुल, यानी इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ज्यादा उबासी आना डायबिटीज में हाइपोग्लाइसीमिया का शुरुआती संकेत होता है। जब शरीर में ब्लड ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो उबासी आनी शुरू हो जाती है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आपको ज्यादा उबासियां आ रही हैं, तो डॉक्टर साहब ऐसे में इन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? इनको जो है जीवा में आना चाहिए, यही करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज का रोग है, उसको अपने आप तो ठीक नहीं कर पाएंगे आप, और उसके जो साइड के जो रिएक्शंस हैं, चाहे वो उबासी आना है या और भी जो उसके जो लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के, गला सूखता है, कई बार जो आँखों के सामने धुंधलापन होता है, बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो ये तो एक अपने आप में एक फुल ब्लोन डिजीज़ है, और इसका उपचार हम आयुर्वेद में करते हैं। और कई बार लोग जो है कहते हैं कि आयुर्वेद में तो डायबिटीज़ का उपचार नहीं होता, उसके लिए तो गोली लेनी पड़ती है शुगर कम करने के लिए, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद भी एक मेडिकल सिस्टम है, पुराना मेडिकल सिस्टम है, और उसमें भी रोगों का वर्णन है, उसमें भी चिकित्साएं लिखी हुई हैं। और जीवा में जो हम ये काम कर रहे हैं, हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक मिशन, मैं उसको कहूँ हमारा मिशन है कि हम आयुर्वेद को दोबारा से पुनर्जीवित करके दोबारा से उसको जो है एस्टेब्लिश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया। और इसलिए हमारा एक स्लोगन आता है कि जीवा आयुर्वेद जो है दोबारा से जो है घर घर में आयुर्वेद को पहुंचाने का काम कर रहा है। काफ़ी कुछ काम हमने कर दिया है, और जो आप लोग हमारे दर्शक हैं, अब तो काफ़ी सारे जो हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़े हैं, क्योंकि वो भी लोगों को समझाते हैं हमारे शो में, जो चीज़ें हम बताते हैं उनको नोट करते हैं, फिर दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि जी आपसे जो कुछ भी हमें नॉलेज मिलती है उसको हम सबको साथ सबके साथ शेयर करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अच्छी चीज़ जो है उसको हमेशा शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। बिल्कुल। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। अगर आप भी बार बार उबासी आने की समस्या से परेशान हैं तो जानिए ज्यादा उबासी को दूर करने के उपाय डॉक्टर साहब से। देखिए, जैसा मैंने शुरू में बोला कि वैसे तो उबासी आना एक नॉन सप्रेसिबल अर्ज है, तो नॉर्मल उबासी कभी आती है तो उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं। आयुर्वेद में लिखा है कि उसको आने दीजिए, क्योंकि बॉडी कुछ अपने आप में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, ऐसा समझ लीजिए। बॉडी कुछ ऑक्सीजन उसको चाहिए। कई बार जब आप स्पोर्ट्स खेल करके आते हैं, कुछ ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उबासी आती है उस समय, वो बीमारी नहीं है।
लेकिन बिना किसी कारण के, बिना किसी विजिबल रीजन के जब बार बार आपको उबासी आती है तो देट इज़ ए डिजीज़। उसमें कई चीज़ें आपको करनी चाहिए। एक हमारे यहाँ एक होता है कि मुंह में थोड़ा तेल डाल करके उसको घुमाना चाहिए, ऑयल पुलिंग आज की भाषा में इसको बोलते हैं। एक टेबल स्पून तिल का तेल मुँह में डालें सुबह खाली पेट, उसको अच्छी तरह से जो है अपना घुमाएँ फिर बाहर। उससे क्या होगा कि थोड़ा ये एरिया आपका लुब्रिकेटेड होता है। कभी कभार अगर ड्राइनेस होगी, वात का प्रकोप होगा, तो उसके कारण भी आपको उबासी यहाँ पर आ सकती है, तो लुब्रिकेशन उससे होगा आपका। दूसरा जो है नींद अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि नींद अच्छी नहीं आएगी तो दिन में आप दिन भर आप उबासियाँ लेते रहेंगे, और नींद अगर अच्छी नहीं आती है तो जीवा की स्लीप वेल टैबलेट आज ही मंगाइए, बहुत अच्छी टैबलेट है, दो गोली रात को खाइए, आराम से नींद आती है। लेकिन रात को देर से सोना जो है ये गलत है, तो ये नहीं कह सकते कि जी मैं रात को 3 बजे सोता हूँ या 2 बजे सोता हूँ और फिर दिन में उबासी आती है, वो तो गलती कर रहे हैं आप, अपने बॉडी के डिज़ाइन के विपरीत आप जा रहे हैं। हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, तो वो फिर आपका रूट कॉज वहाँ पर टाइम, सोने का टाइम जो है वो गलत है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ फिर आप ये कुछ स्लीप वेल टैबलेट लेंगे या ऑयल पुलिंग करेंगे तो उससे आराम आएगा। तो ये तो बात हुई ज्यादा उबासियों की, इसके कारणों की और इसके उपायों की। आगे बढ़ते हैं, अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो मिलेंगे सेहत के अनेक फायदे। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि हल्दी वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 01294040404 पर कॉल कर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी।